एलेक्स, ठीक है, पहले मैं तुमको मशीन दिखाऊंगा कैसे था और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका कंटेंट, ठीक है। एक बार मशीन देख लो, ये तुम्हारा मशीन है, इसका डिटेल इधर दिया हुआ है। ये मशीन दिख रहा है टेलेक्स, ये 100 करीबन 100 100 तो नहीं, 80-90 साल पुराना मशीन है टेलेक्स का। अब ये मशीन की खासियत क्या है और कैसे ऑपरेट होता है तुम देखोगे। नौ, एक एक करके मैं लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। नौ, सबसे पहले तुम्हारे सामने टेलेक्स के बारे में, पहले तो तुम बोलोगे इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, आज के तारीख में टेलेक्स कोई यूज नहीं करता, बट उस समय यूज होता था टेलेक्स, ठीक है। जो तो उसको जो बोलते टेलीग्राफ एक्सचेंज बोलते थे उसको, ठीक है। सबसे पहले तो टेलेक्स को टेलीग्राफ एक्सचेंज बोलते थे। नाउ ये टेलेक्स है ना, उस समय का आफ्टर टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम आ चुका था, टेलीग्राम के बाद आया, ठीक है ना। टेलीग्राम एक्चुअली मॉर्स कोड यूज करता था और ये आई थिंक बॉड कोड्स यूज करता था, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले तो हम बोल देखते हैं टेलीग्राम में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। ये एक पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस से इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूं, से मुंबई है, ठीक है। और ये पोस्ट ऑफिस नासिक में है, ये बिजनेस ए है, ये बिजनेस बी है। अभी टेलेक्स से पहले टेलीग्राम था, बिजनेस ए बिजनेस बी के साथ एक डील साइन कर लिया है और अमाउंट सब फाइनलाइज हो चुका है, कंफर्म करने के लिए वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, ठीक है। टेलीफोन तो काफी बाद में आए, वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, मैसेज डालेगा, यहाँ पे टेलीग्राम ऑपरेटर रहेगा, यहाँ से नासिक के पोस्ट ऑफिस में आएगा और नासिक वाला बिजनेस बी को टेलीग्राम पहुँचाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम था, यहाँ का टेलीफोन जो ऑपरेटर है टेलीग्राम, उसको पता चल जाएगा मैसेज क्या है, तुम्हारा कोई सीक्रेट रहेगा नहीं, इसको पता चल जाएगा। इसके बजाय टेलेक्स में क्या हुआ, इसको तुमको पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, इसको जाने की जरूरत नहीं, ये एक टेलेक्स मशीन फिट करेगा अपने पास जिसमें टेलीफोन के वायर होंगे, ये एक टेलेक्स मशीन यूज करेगा, ठीक है। यहां से मैसेज डालेगा और इसके टेलेक्स मशीन में मैसेज जाएगा, मतलब ये जो मैसेज है लीक होने का कोई चांस नहीं, बराबर है। तो टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस जाता था, इसका अलग वीडियो बनाया है टेलीग्राम का, उसमें देख लेना। सो टेलेक्स जब आया तो तुम्हारे सीक्रेट डील्स पोस्ट ऑफिस और ऑफ कोर्स पब्लिक तक जाने का कोई चांस नहीं है टेलेक्स आने की वजह से, उस समय था, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। व्हेन स्टार्टेड, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली टेलेक्स शुरू हुआ जर्मनी में, जर्मनी में उनका एक R&D प्रोजेक्ट था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसके तहत 1926 में ये फॉर्म हुआ, ठीक है।
और ये जो ऑपरेशनल हुआ, मतलब टेली सर्विस शुरू हुआ 1933 में जर्मनी में, ठीक है। सो देखा जाए तो टेलेक्स का इन्वेंशन किसने किया? जर्मनी ने। बेसिकली इट्स नॉट अ फोन सर्विस, नॉट अ फोन सर्विस, फोन नहीं कर सकते थे इसमें, बट इट वॉज अ टेक्स्ट एक्सचेंज मशीन। ये टेक्स्ट एक्सचेंज मशीन था, ठीक है। सो जो ट्रांसमीटर है, वो टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। ट्रांसमीटर, वापस इधर बताता हूँ अभी। ये लोग क्या करते थे, टेलेक्स मशीन टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट करता था। टेक्स्ट बिजनेस ए को बिजनेस बी को दे भेजना है तो टेक्स्ट इनटू कोड, और जैसे मैसेज जाता था ये क्या करता था, कोड इनटू टेक्स्ट यूज करता था। सो इन लोगों को मैसेज मिल जाता था। आया समझ में ये पार्ट? यहाँ पे जो मैसेज भेजते थे ऑफलाइन पेपर टेप से तैयार करते थे। वापस हम जाते हैं और फिर बताता हूँ मैं। शेयर स्क्रीन, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको पेपर टेप्स। ये पेपर टेप्स के थ्रू मैसेज बनाते थे और फिर भेजते थे, ठीक है। मतलब यहाँ से ये तुमको डॉट्स दिखेंगे, ठीक है ना। सो ये टेक्स्ट को कोड में एक बॉर्डर करके, BAUDOT करके, मॉर्स कोड के आगे का, आजकल जो एस्की यूज होता है ना, उसका उसका बाप बोल सकते हैं, एस्की बच्चा है। सो ये यहाँ से वो ऑफलाइन तुम यूज करते थे, तुम टेक्स्ट इनटू कोड करते थे और फिर ये देखो, मुझे नहीं इधर, नहीं इधर बोलना चाहिए, देखो ये रहा है, यहाँ से मैसेज जाता था। नॉर्मली वो 5 डॉट्स इसमें रहेगा और 5 डॉट्स के हिसाब से मैसेज जाता था, ठीक है। हम वापस से भी इसमें आते हैं, व्हाइट बोर्ड में आते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल चर्चा करते हैं। अभी सपोजिटली बिजनेस ए को मैसेज भेजना है, ठीक है ना, टू बिजनेस बी, तो कैसे भेजेंगे? बिजनेस बी का एक नंबर लगेगा, ठीक है ना, जिसको हम सब्सक्राइबर कोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस बी का सब्सक्राइबर कोड इज 14 9410, ठीक है। और उसका नाम है, से शिव पकड़ लो, और कंट्री आई है तो इंडिया, ठीक है। और बिलिंग, जितना टाइम लगता है मैसेज भेजने को उस हिसाब से बिलिंग होता था, ठीक है। यूएसए में, एक कंपनी है, एक मिनट, यूएसए में एक कंपनी है AT&T, क्योंकि टेलीग्राम के बाद का स्ट्रक्चर है तो बहुत फेमस था ये, ठीक है ना। तो यूएसए में AT&T कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। और फिर कनाडा ने लॉन्च किया 1957। यूके ने
1930 में शुरू हुआ। सो इंडिया में 1960 में आया, देखो कितना लेट आया इंडिया में। और पहला टेलेक्स इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक्सचेंज हुआ था, इंडिया टू ब्रिटेन। आई थिंक इट वाज 16 मई शायद ये था जब पहला टेलेक्स सर्विस गया। नाउ ऑलरेडी बता दिया, अभी शॉर्ट में हम एडवांटेज ऑफ टेलेक्स देखेंगे। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, नाउ स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन रियल टाइम था, भेजने वाला और रिसीव करने वाला साइमल्टेनियसली भेज सकते थे, मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत क्विक था ऐसा बोल सकते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते थे क्योंकि दोनों सब्सक्राइबर के नाम पता होना जरूरी है, कंट्री का नाम पता होना जरूरी है। उसमें आंसर बैक फैसिलिटी था, सामने वाला रिप्लाई कर सकता है जवाब देके। पोस्ट, नो नीड ऑफ गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, ये एक्स्ट्रा मैंने डाला है। फिर ऑर्डिनरी लोग भी यूज कर सकते थे, खासकर ये तो बिजनेसमैन ही यूज करते थे। एक इम्पॉर्टेंट था कि डॉक्यूमेंट क्रिएट होता था जो तुम फ्यूचर में यूज कर सकते थे, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हो जाता है। बिलिंग कितना टाइम लेता है उस पे से था, ठीक है, बिलिंग भी इजी था। सो तुम क्या करो, पहले से टेलेक्स का डेटा तैयार कर लो और फिर भेजो ताकि तुम्हारा उतना कॉस्ट सेव हो। सेंडर और रिसीवर नीड नॉट बी प्रेजेंट, तुम एक बार भेज दो और भूल जाओ उसको, सेंडर एंड रिसीवर नीड नॉट बी प्रेजेंट, वो उसको मिल जाएगा, वो जब नहीं है तभी भी मिल जाएगा और जब मतलब पहुंच जाएगा मशीन में आके देख सकते हैं। अगेन डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली हार्डवेयर, बहुत कॉस्टली था ये। दूसरा नंबर, उसको बोलते ना बीच से हैक, हैक मतलब कोई भी सेफ्टी इश्यूज हैक कर सकता था, सेफ्टी इश्यूज थे। लेट इन इंडिया 1960s में आया और 20-30 साल में गायब भी हो गया। और रिप्लेस बाय फैक्स, मतलब देखा जाए तो पहले टेलीग्राम आया, टेलेक्स आया, फैक्स आया, तीनों आउटडेटेड हो गए अभी जब से इंटरनेट आया। क्यों? आजकल ईमेल और सेलफोन्स आ गए ना, तो इसका रोल खत्म हो गया, समझ में आया? सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।